ज्ञानचोद बकरी पर यानी अपनी औकात देखी है भोसड़ी की शक्ल वाले ड्यूटी पर सबके पास जा रही है, बोल रही है हैरी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं अभी, आप मुझे ये बताएं ऐसे बंदे के लिए कौन सी लानत होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि हमारी इज्जत करो, ऐसे लोगों की इज्जत के लिए हाथ नहीं उनकी टांगे उठाओ। ने मुझे बताना है कौन सी लड़की है जो रिलेशन में आए बगैर ऐसा करती है। वो लड़की थी जिसने मेरे अलावा भी कुछ 10 बंदों के साथ इन्होंने कमेटी डाली होती है और इंस्टाग्राम पे इन्होंने प्रोफाइल अपलोड की होती है लाइक माय वर्जन। क्या गेमिंग के लिए आप मोहब्बत साफ मोहब्बत, रिलेशन के बगैर मोहब्बत सही मोहब्बत, आइए पिछना पोया तो कादी मोहब्बत। हाँ तो भाई कैसे हैं आप? ठीक हो ना? आज आपका भाई आया हार्ड होस्टिंग लेकर। तो यार स्टार्टिंग पे बोल देता हूँ, जिसने हेडफोन नहीं लगाए काइंडली हेडफोन का इस्तेमाल करें, बाद में नहीं आप लोगों ने बोलना कि हैरी भाई आज आप इधर निकल गए, आज आप हैरी भाई इधर निकल गए। तो यार आज की बेसिकली हमारी वीडियो होने वाली है एक एक्सपोज वीडियो ही आप बोल सकते हैं, रोस्ट बोल सकते हैं। रोस्ट या लड़के पे बनता है या लड़की पे बनता है, खुसरियों पे रोस्ट नहीं बनता है। जिनको हम बोलते हैं सेंटर वाले या खुसरे, ठीक है, उन पे रोस्ट नहीं बनता, उन पे बनती है एक्सपोज वीडियो। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले ज्ञानचोद बकरी पर, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं एक बिल गेट्स की नाजायज औलाद पर। तो वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप ज़रा काइंडली ये वॉइस सुने, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि इस पे रोस्ट बनता है कि नहीं। स्काइलेट जी ये मैसेज जो है ना उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दें और इनको मेरा पैगाम दे दें कि डरती तो मैं इनके अब्बे से भी नहीं हूँ जो करना है तो। अच्छा जी मुझे कह रहा है कि मेरी औकात अपनी औकात देखी है भोसड़ी की शक्ल वाले, अपनी औकात देख जाके पहले गंदी शक्ल वाला 50 साल का बुढ़ा ना हो तो, ठीक है अपनी औकात देख, बाकी मैं जो भी करूँगी मेरी मर्जी है। तुम लोग कौन होते हो मैं जिसको सेट करूँ, जिसके साथ मर्जी बात करूँ, तुम लोगों की गांड में क्यों कीड़े आते। हाँ तो भाई आपने सुनी वॉइस, इसलिए मैं बोल रहा था बिल गेट्स के नजायज़ औलाद और ज्ञानचोद बकरी पर, ठीक है। इसको हर बंदा जानता है, कौन नहीं जानता, कोई तरीफ की मताज नहीं। अगर मेरी वीडियो 2000 बंदा देखता है, 2000 में से 1500 इसे जानता होगा, 1200 के पास इसका नंबर होगा। ऐसी लड़कियों को बोलते हैं, ऐसी लड़कियों का नाम ही स्टार्ट होता है GAS, आगे आई पे एंड होता है। आगे जो एक लफ्ज़ मैंने हाइड किया वो सब लोगों को पता होगा, जो भी लेजेंड है उनको बताने की जरूरत नहीं है कि वो लफ्ज़ क्या है, ठीक है। ये बेसिकली वो है, आज हम इस पे बात करने वाले, ठीक है। इस पे बात करने का मकसद ये है कि भाई साहब ये रंडी रोना रो रही है, हर बंदे के पास जा रही है, जितने भी फाइनली यूट्यूबर हैं लोकल बंदे के पास नहीं, जो जो मुझे जानते हैं अलहमदुल्ला, जो जो आपके भाई बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सबके पास जा रही है। बोला क्या बोल रहा है मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, बाकी हैरी के पास मेरी पिक्चर्स हैं, हैरी मुझे मेरे पास तेरी पिक्चर्स आई कहाँ, ये सोचा। तो मैं जो भी अभी आपको चैट दिखाने जा रहा हूँ या जो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजर रख के मानता हूँ कि वो वीडियोस चैट कुछ भी फेक नहीं है, कसम खुदा पाकी सब कुछ ओरिजिनल दिखाऊंगा, ठीक है। मैं कोई बगैरत बंदा नहीं हूँ, कोई फेक चीज़ें बना के दिखा दो, और फेक चीज़ें हो ना तो उसमें इसकी वॉइस ना हो, इसका नंबर ना हो, इसके नंबर से मेरे साथ बात ना, ये पूरे आपको प्रूफ के साथ इसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। चलते हैं अभी फिर एक्सपोजिंग की तरफ, यार इस ज्ञानचोर बकरी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले थी ये PRG गेमर की गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो यूट्यूबर है, हर बंदा से जानता है PRG गेमर, उसके साथ ये रही है जनाब साहब रिलेशन में। तो इसका जो चैनल है आजकल आयशा गेमिंग ये उसी का बीक में दिया हुआ चैनल है इसको, ठीक है, ज्ञानचोद बकरी को। तो वो उसी ने इसे दिया था कि ये लो इस्तेमाल करो, और फिर उसने वापसी नहीं लिया। अभी चैनल इसके सब्सक्राइबर बड़े हैं, व्यूज़ आप देख सकते हैं 250 से ऊपर व्यूज़ नहीं आते। तो बस ये पहले PRG गेमर के साथ रही, इसने बड़ी अपनी पिक्चर्स PRG गेमर को दी, तो फिर उसने इसको ब्लैकमेल किया नहीं किया हमें नहीं पता। उसके बाद फिर जैक को कॉल आ गई, चलो अभी जैक की ही वॉइस में आपको पूरा सुनाते हैं कि जैक के साथ किस तरह सेट हुई, किस तरह बातें की। तो फिर आपके भाई के साथ जो इसकी बातें हुई हैं, जो भी भेजा गया, जो भी बातें हुई, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले ज़रा इसकी भाई की वॉइस सुन लेते हैं। बात करता हूँ आयशा FM, तो इससे पहले मेरे साथ ना ये काफ़ी दिन पहले मुझे मैसेज आया था, तो लड़की थी आगे से, तो उसने बोला बिग फैन ये वो, मैंने कहा ठीक है, कहती मेरा यूट्यूब चैनल है सो ये वो। फिर इससे ना मैंने थोड़ी सी बात की, इससे वो चैट बार बार मोडीज भेजी, तो ना मैंने डायरेक्ट कॉल की, मैंने कहा जी बोले, मैं गेम खेल रहा था तो मैं मैसेज पर बात नहीं कर सकता था, मैंने उसको डायरेक्ट कॉल की, मैंने पूछा जी बोले, कहती ये वो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, कुछ सपोर्ट नहीं रोने लगी। मैंने बोला ठीक है मैं आपका वर्क देखता हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर दूँगा। फिर इसने मुझे बताया तुमसे पहले ना, मतलब बात करने से पहले मैंने एक PRG गेमर था उससे बात कर रही थी, और जहाँ तक मुझे लगता है जो उसका चैनल है ना वो भी PRG गेमर की मतलब गेमर का ही है, उसका सेकंड चैनल जो उसने इसको दिया, उसके बाद चंदे के तौर पर उसने इसे वापस ही नहीं मांगा, क्योंकि आपको देख लो इतना सारा सब्सक्राइबर है बट व्यूज़ घंटे हैं।
सो इसने मुझे कहा मेरी इस वीडियो की कम्युनिटी लगा दो, मैंने लगा दी। फिर इसने क्या बोला, मैंने लगा दी। फिर इसने बोला मेरी लाइव की कम्युनिटी लगाओ, मैंने लगा दी। फिर उस रात मेरे साथ थे, इसने मुझे बोला कि मेरी लाइव स्ट्रीम पे आओ, मैंने तुम्हारा नाम देकर लाइव स्ट्रीम किया। मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी किया, वहाँ ऑक्सी वगैरह आया था, तो फिर ऑक्सी ने मुझे बताया कि ये लड़की सही नहीं है, ये मेरे पे भी लाइन मारती है वो। देन मैंने आपसे बात बोला कि भाई ये वो सीन है, तो इस लड़की ने बोला, मैं ना इससे बात कर रहा था तो ना मेरी मम्मा पे से बोल रही थी, उसने मुझे जिद कर दिया कि अपनी मम्मा से बात करो, ये वो मेरी भी मम्मा है यार, मेरी भी मम्मा है। तो मैंने इसकी परवाह की और ये इस बात को लेकर बैठी हुई कि तुम मतलब मैंने इसकी माँ से भी बात की है ये वो। सो यार वो बात एक अलग है, वो एक साइड पर है। बट मैं देखो ना इसको बुरा वाला कह रहा हूँ ना जो भी, बट ये जो बता रहा हूँ कि पहले पीआर गेमर के साथ इसकी अच्छी खासी रिलेशनशिप था जो टूट गया। बाकी मेरे साथ भी इसकी अच्छी खासी गैदरिंग थी, बट जब मुझे पता चला कि देखो कि ये लड़की ठीक नहीं है, ऑक्सी पर भी ट्राई कर रही है और ये वो, देन मैं खुद ब खुद इसे पीछे हट गया। देन मैंने आपसे हेल्प मांगी कि भाई मेरी जान छुड़वा दें इसे, देन आप बीच में और आपने इसको मेरे से साइड कर दिया। अभी आपने जैक के वे में सुना, अभी मेरे वे में सुने, ठीक है। आज से कुछ 4 महीने पहले जब जैक ने बोला कि हैरी भाई मेरी जान छुड़वाओ, तो मैं कहा चलो ठीक है, ऐसी बच्ची को सेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये वही आपको पहले ही बोला, इस ऐसी लड़की का अगर 2000 बंदे वीडियोज देख रहे, 1500 तो इसे जानते होंगे, 1200 के पास तो इसका नंबर होगा, 1200 में से कोई 800 की सर इसके साथ, तो समझ रहे हो ना। तो बस यही साबित हो। उसके बाद फिर मैंने जैक की जान छुड़वाई, मैंने इसे थोड़ा सा सेटवेट कर लिया। तो बात ये अभी मैं नहीं एक्सपोज करना चाहता था, अभी बड़े ज्ञान चोर में आएंगे कि आपने गलत किया, ये किया, वो किया। पहले पूरी वीडियो देखना, फिर मुझे बताना गलत किया है सही किया, ठीक है। तो ये बड़े मेरे दोस्त है, जाने वाले साजिद हो गया, शेजी हो गया, स्काईलोड हो गया, उसके अलावा और भी यूट्यूबर हैं, सबके पास जा रही है और बोल रही है हैरी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, आप मुझे सपोर्ट करो, आप मेरी कम्युनिटीज लगवाओ। आजकल स्काईलोड का 24 घंटे सर खा रही है, बिकॉज स्काईलोड कम्युनिटी जो लगा रहा है, मैं भी सपोर्ट करता, मैं भी कम्युनिटी लगाता तो मेरे साथ भी रहती। लेकिन ऐसी लड़कियों को साथ रखना हमारे मतलब के बस की बात नहीं है। तो ये बोल रही है साजिद, मुझे 2 रिकॉर्डिंग आई हैं, उसमें पता ये क्या बोल गया कि आप सुन ले जरा कि मैं हैरी को भाई कह के बुलाती हूँ, सुने जरा। इसके साथ भाई भोके है कि इसको बुलाती नहीं हूँ। तो यार अभी आपने ये ऊपर सुना रिकॉर्डिंग, तो अभी जरा ये साथ स्क्रीनशॉट भी मैं प्ले कर रहा हूँ, जरा स्क्रीनशॉट भी देखें यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। अभी आप मुझे ये बताएं ऐसे बंदे के लिए कौन सी लानत होनी चाहिए। लड़कियाँ ही होती हैं जो बगैर रिलेशन के सारा कुछ करवा लेती हैं या सारा कुछ कर लेती हैं, ठीक है, सारा अपना मतलब निकाल के बाद में ऐसी लड़कियाँ ही चारपाई पे लेट के ये फरमा रही होती हैं। रोस्टिंग स्टार्ट किया, तो अभी से मेरी रोस्टिंग वीडियो देख के जनाब जी की हालत सेम ऐसी हो गई होगी। ऐसी पहनी की करने के बाद आप ऊपर पहले वॉइस सुने, ऐसी पहनी की करने के बाद ये लोग कहते हैं कि हमारी इज्जत करो, ऐसे लोगों की इज्जत के लिए हाथ नहीं उनकी टांगे उठाओ। सिस्टर के साथ बातें भी कर रही हूँ, रिलेशन में भी नहीं हूँ। तो यार आपने मुझे बताना है कौन सी लड़की है जो रिलेशन में आए बगैर ऐसा करती है। वो लड़की थी जिसने मेरे अलावा भी कुछ 10 बंदों के साथ कमेटी डाली। कोई फेक चैट नहीं है, आपको इसका नंबर भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ऐसी लड़कियां ही होती हैं जिन्होंने शादी के बाद 16 बच्चे पैदा कर लेने होते हैं, मोहल्ले के हर बंदे के साथ इन्होंने कमेटी डाली होती है और इंस्टाग्राम पे इन्होंने प्रोफाइल अपलोड की होती है, लाइक माय वर्जन गेमिंग के लिए। आप मोहब्बत साफ मोहब्बत, रिलेशन के बगैर मोहब्बत सही मोहब्बत, चलो आपको बगैर टाइम वेस्ट किए ज्ञानचोद बकरी की पूरी चैट रिवील करते हैं। हाँ तो भाई अभी मैं आपको चैट दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो यार आप ये चैट देख सकते हैं ये कैसी चैटिंग चल रही है। सब लोग लेजेंड हाजिरी लगवाएं और देखें कि कौन कौन सी चैटिंग चल रही है। चिरें भी खुद भेजी जा रही हैं और खुद को ही ब्लैकमेल किया। यहाँ पे आपने ये देखना कि कौन सी चीज रोमांटिक लग रही है, नंबर भी काइंडली उनका ही है, शायद अब ये ना फरमा दिया जाए कि ये नंबर फेक है। आप देख सकते हैं कि बातें कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। ऐसी बातों के बाद ये बोलना कि मैं रिलेशन में नहीं थी, ऐसे बंदे के लिए लाहौर पिशावर केपी के सियालकोट सब मुल्कों की तरफ से एक भरपूर सारी लाना, देख सकते हैं कि बातें कहां तक पहुंच चुकी। इसे जरा भी शर्म नहीं आती किसी से बात करने, रिलेशन में नहीं थी और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है तो यार मैं भी ब्लैकमेल होने के लिए तैयार। वॉइस में सुने जरा क्या बोला जा रहा है। आप ये देखें कि मुझे क्या बोला जा रहा है कि मेरे साथ किस किस तरह की बातें। यार यहाँ पे आपका भाई शरीफ माना गया, यहाँ पे मैंने कोई बात नहीं। तो यार आप सब लोग देख सकते हैं कि बात किधर तक पहुंच चुकी। तो यार यहाँ पे जाने के बाद फैमिली डबल हो जाती है, नंबर भी देखें वही नंबर है। आप ये देख सकते हैं कि किसके ना आने की बातें हो रही है। इनके आने के बाद लाइफ में कुछ रह नहीं जाता। भाई तो इस चीज में मास्टर है, मैंने तो बोल दिया कि भाई मैं तो करूंगा। ये चैट देख सकते हैं, तो ये चैट देखने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है इस लड़की के लिए क्या क्या कमेंट में होना चाहिए। जहाँ तक
मैं बोलूंगा अगर मेरी बात मानोगे तो हैशटैग के साथ लानतें लिखो और हर किसी की लानत लिखने वाले को मैं अप्रूवल दूंगा। आपने ये देखना है कि ये बंदा बोल क्या क्या रहा। यार मुझे यहाँ पे बंदे की जगह बंदी बोलना चाहिए, पर ये जैसी इसकी शक्ल है ये खुसरों से भी बदतर है। इसकी शक्ल देखने के बाद हमारे मल्ले की बड़ी प्यारी खुसरी याद आ जाती, क्योंकि वो भी मेकअप लगाने के बाद उसकी शक्ल भी इससे सोनी हो जाती है। इंसान हो आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी इतनी अच्छी वाली। एक जगह बोला जा रहा है कि मुझे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, दूसरी जगह फरमाया जा रहा है मैं 60 साल का बूढ़ा, जगह फरमाया जाएगा कि हैरी ने मुझे बच्चा भी दे दिया। लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं आपको संभालूं, और दूसरी बात ये कि मतलब 5-6 साल तक मेरा कोई इस तरह का सीन ही नहीं है शादी मैरिज। आप देख सकते हैं बोला क्या जा रहा है कि मेरा शादी का कोई सीन ही नहीं है। मतलब शादी का सीन नहीं करना तो उसके अलावा सारे सीन कर लेना। सही वीडियो डाली हुई है, हाय मेरी टुई, हाय मेरी टुई। फिर बाद में ऐसी लड़कियां ऐसा ही करती होती हैं। मेरा कोई इस तरह का सीन ही नहीं है शादी मैरिज, और मतलब मैं इन चीज़ों से बहुत हटके हूँ, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। आपने कभी मुझे नोट नहीं किया मेरे उस शौक, मेरी कुछ बातें, कुछ मेरा स्टाइल, या मतलब जिस तरह से भी बंदा नोट करता है? तो मामा बाबा इस चीज़ से मतलब मुझे दूर रहने की मतलब तनकीद, और मैं अपने मामा पापा से बिना पूछे इस तरह। बाकी इस पर सोचना पड़ेगा और मज़ीद सोच के इस पर जवाब दूंगी आपको। तो भाई आप लोगों ने सुना कि सोचना पड़ेगा, तो जहाँ पे सोचा जाए वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने से मुराद के बस जो कुछ आपने देखा सब कुछ हो सकता है। बाकी इस पर सोचना पड़ेगा और मज़ीद सोच के इस पर जवाब दूंगी आपको। सारी चैट रीड की, अभी ये लोगों को बोलती फिरते हैं कि चैट मेरी फेक्स हैं, ये मेरी पिक्चर्स ही नहीं है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो ब्लैकमेल करने की वजह क्या थी, शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया लेकिन इधर भी वजह बता देता हूँ। वजह ये थी कि मैंने स्काईलॉर्ड ने इसकी कम्युनिटी लगाई, मैं कहा यार मैंने इसके साथ गलत किया, चैट के साथ आपको पता मेरी अभी खत्म है, तो मैं कहा चलो इसको सॉरी कर देते हैं। मैंने मैडम को बोला कि यार सॉरी मेरी तरफ से जो भी हुआ, तो मैं तो कहती कि कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, हालांकि नंबर सेव है, स्टेटस व्यू आ रहा है, तो भाई उसके बाद ही मुझे नहीं पहचाना, ठीक है तो नहीं पहचाना, मैंने नहीं बताया। फिर मैंने पिक्चर्स भेजी, मैं कहा ये कौन है, कहती मैं तो नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, हमने रोस्टर नाम मार, हमको वीडियोस भेज, पिक्चर्स भेज देता हूँ, खुद ही बता देगा, ठीक है भेज दो, मैं वैसे भी लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, ठीक है इसमें कोई ब्लैकमेलिंग है? अगर मैंने ब्लैकमेल करना होता 4 महीने से मैं इसकी पिक्चर हज़ारों बंदों को ना भेज देता, ठीक है। आजकल स्काईलॉर्ड का 24 घंटे सर खाया जा रहा है, हम रोटी को चोची नहीं कहते कि जिसलिए खाया जा रहा है, ठीक है। पहले PRG गेमर, फिर हैरी ऑफिशियल, फिर स्काईलॉर्ड, फिर पता नहीं किन किन के घर इन्होंने कमेटी डालनी है, किस 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 ग्राउंड का इन्होंने घास खाना है। तुमने आएंगे कि आपने गलत किया, आपकी अगर बहन के साथ ऐसा करे तो भाई पहली बिफॉल फर्स्ट बात मेरी बहन गेम नहीं खेलती, मेरी बहन सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं चलाती, तो मेरी बहन होती ना तो ऐसी वाहियात बातें नहीं करती, ठीक है। अगर तुम लोग की कोई बहन खेलते हो बताओ, तुम लोग की कोई बहन है जो ऐसी बगैरतियाँ करती हो? और ऐसी बगैरत बहन किसी की हो सकती है जिसका भाई मरा हो, अगले दिन ही लोगों के साथ गंदी बातें कर रही हो, हैं तुम लोग मुझे बताओ? मैं इसकी रग रग से वाकफ हूँ, मेरे पास मेरा ओप्पो F17 Pro होता ना, मैं बताता आपको कि और कितनी बातें हुई थी। ये तो आईफोन में इतनी बातें थी, मैं तो उसका मुँह तक नहीं लगाता था, जूल में मैसेज करी जाती थी ये करो वो करो, और बोल रही थी कि हैरी ने मुझे प्रपोज किया मैं रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करना इसे कहते हैं कि जहाँ मैंने तेरे साथ रिलेशन में नहीं आना, इसे नहीं कहते कि मैं सोचूंगी का मतलब कि मैं आ सकती हूँ, ठीक है, मतलब कि आ सकती हूँ, ठीक है। रिलेशन के बगैर ही इतनी बातें होगी तो रिलेशन में आके क्या क्या होना था, ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, हो सकता है कोई अच्छा सा ब्लॉग ही लेके आऊँ इसको एक्सपोज करके, फजूल में अपनी ज़ुबान गंदी की, फजूल में अपने चैनल पर एक एक्सपोज वीडियो डाली, दफा मारो ऐसी GAS आई को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ, आपके भाई की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।